चलिए आज कथा सुनावतनी नागिन आ गौरा पार्वती आ भोले बाबा के तीनों आदमी के मिक्स बा। कथा अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल के सब्सक्राइब करें। एक दिन भोले बाबा गंगा जी में नहाए गए तो एगो नागिन पूरा देहिए के वहाँ के जकड़ लेलक आ कहतिया ए भोले बाबा ए भक्त के जगह कहाँ बा मैया गौरा पार्वती तो 12 बरिस तप कैनी, हम तो 14 बरिस तप कैले बानी, ए भक्त के कहाँ जगे बा रौरा हमरा के बताई। तो भोले बाबा तो नहात रहनी कहनी कि चल हमरा कुटिया में मरई में वही जा ए बात के समाधान होई। तो भोले बाबा का कहनी वो नागिन के अपना कमंडल में लिया के आ मरई में टांग देनी अपना कुटिया में टांग के आ कोनो काम धंधा में अझुरा गईनी आ भुला गईनी आ ओकर बाद घर से अपने मरई से बहरी निकलता नहीं तो देखता नहीं कि मार सब फूल आ गाछ के पत्ता सब गिरल बा। तो मैया पार्वती के कहता नहीं कि ए गौरा दुआरी पर हतना गंदा लागल बा पत्ता गिरल बा तो कहियो लक्ष्मी घरे ना आवई हन एकरा के साफ कर। तो ई बात तो नागिन सुनाली तो ऊ का कैली कमंडल में से निकल के आ अपना पोंछ से बाहर के सब पतवा के एक जगह क दहली आ क के फेन जाके कमंडल में बैठ गईली। तो मैया पार्वती जब निकल तनी अपना घर में से तो देखा था नहीं कि सब पता तो बाहर आइल बा एक जगह गोटा भइल बा कौन आदमी बहरलक ह। तो फिर सोचा था नहीं अच्छा कौन आदमी बहरलक ह एकरा के उठा के हम फेंक दी। तो झाड़ू लेके वैली मैया पार्वती तो झरुए से उठावत रहली तो फिर नगिनिया निकल के आ झरुआ के एकदम बांध दिलक चौर चौर के बांध दिलक। अब मैया पार्वती क्या कहनी झरुए जो पटकनी न दू चार हली तो नगिनिया के शरीर 4 भाग में बटा गए। एक भाग तो जाके केवारी के दरवाजे में फंस गए तो वो तो मैया पार्वती ना देखली आ 3 गो भागवा के उठा के फुलवारी में फेंक अली। अब तो भोले बाबा केनियो से ऐनी वहाँ के याद पड़ल कि नहाए तो गए रही हाँ तो हम तो एगो नागिन ले ऐनी हई उ तो हमार पूरा दहिए जकड़ ले ले रलक ह तो आ कहलक हवे के भोले बाबा हम तरह के 12 बरिस तप कैले बानी ए भक्त के कहाँ जागा बा हम तो ली ऐनी हाँ आ ओकरा के कमंडल में टांग देनी है खूंटी में। जब भोले बाबा के याद पड़ल तब जा तनी देखे तो कमंडल में तो हिले नहीं थे नागिन और और वहाँ के मन बेचैन एकदम परेशान। तो मैया पार्वती देखली भोले बाबा के परेशानी तो पूछा तारी हे भोलेनाथ रौरा काहे इतना परेशान बने बताई। तो भोले बाबा बताऊनी जान तारू गौरा हम नहाए गए रही हाँ तो एगो नागिन हमारा पूरा दहिए जकड़ लेलक कहता कि हम 14 बरिस तप कैले बानी मैया पार्वती तो 12 बरिस तप कैले बारी आ हम तो 14 बरिस तप कैले बानी तो ए भक्त के कहाँ जगह बा। तो हम तो कहनी कि चला हमारा कुटिया में वही जाए कर कोनो बात के समाधान हुई फैसला हुई तो ओकरा के तो ली ऐनी हा कमंडल में आ हम टांग देनी है एक खूंटी में। तो मैया पार्वती कहत नहीं बाप रे बाप ऊ तो नागिन आज हमरा के काट के मुआ दी हम गईनी है पत्ता उठावे तो ऊ पूरा झरुए के जकड़ लेलक बांध देलक हम तो ओकरा के मरनी है झरुए पटकनी है 2-4 हाली तो ऊ तो मर गई हवे। तो तू का तो भोले बाबा फिर पूछा तनी तो का कैलू हो तो वही फुलवारी में फेंक नहीं हाँ वो तो 3 भाग उठा के ले जाके
मैया पार्वती फुलवरिया में फेंक देले रहली, आ एगो भगवान ना देखले रहली, तेवरिया में लोग फंस गए रहे जौन। तो भोले बाबा कहनी कि ठीक बा। अब भोले बाबा अपन ध्यान में बैठनी आ देखनी, तो उ तीन भाग उ जाके बन गए रहे, एगो कनैली के गाछ हो गए रहे, एगो भांग के, एगो बेल के। तो भोले बाबा कहनी मैया पार्वती से कि ए गौरा जाना और कनैल के फूल बा तनि तोड़ लिया। तो मैया पार्वती डलिया लेके गईली आ कनैलिया के फूलबा तुरत रहली। तो नगिनिया वही गछिया में से बोलतिया, गौरा तहरा लाजो नहीं खेलागत, ले जा तारू कनैल के फूलवा। तो ये भोले बाबा तो हमरा के माला बना ली हन, आ तू तो बैठबू एक हाथ के दूरी पर, आ हम तो हमेशा उनकरा गर्दने में रहे। तो मैया पार्वती आके फिर भोले बाबा से कहतनी कि ए भोले बाबा, ओ कनैलिया के गछिया में से तो भूतनी बोलतिया। तो भोले बाबा तो सब जानत रहने कि का चीज हवे, उ तो नागिने के तीन भाग तीन गो चीज भइल बा। तो भोले बाबा कहने भूतनी उतनी कुछ नहीं खे, आ कह के रह गई। फेन बिहान भइला कहने भोले बाबा मैया पार्वती से कि ए गौरा जा न तनी और बेल के पातवा तोड़ लिया, बेल पत्र लिया। तो मैया पार्वती फेन गनी बेल के पत्र तोड़े, तो फेन बेलवा के पत्तवा में से बोला तबे नगिनिया कि गौरा ले जाइबू बेलवा के पतावा, तई तो भोले बाबा हमरा के माथा पर चढ़ा ली हन, आ तू तो बैठबू एक हाथ के दूरिये पर रहबू, आ हमरा के तो माथा पर चढ़ा ली हन। फिर आके मैया पार्वती भोले बाबा से कहतनी कि बेलवो के पतवा में से भूतनी बोलतिया। तब तो भोले बाबा कहतनी भूतो अब भूतनी कुछ नहीं खे। तो मैया पार्वती कहतनी भोले बाबा रौरा तो भूते पर से प्रेम हो, आ भूते परे तो रहू दोस्त हवे। तो भोले बाबा तो सब जानत रहने। तो फिर भोले बाबा कहतनी कि ए गौरा हमारा तो भांग खाए के मन करता हो, जाना तनी भांग लिया वो पीस के तनी दे दो। तो मैया पार्वती फेन गईनी आ भांगवा के तुर के पतैनिया लिया वत रहनी, भांगवा तुरत रहनी। तो फेन भांगवा के गछिया में से पहतिया कि ए गौरा भांगवा तो तुर के ले जाता भोले बाबा, तई हमरा के कंठ में बसा ली हन, आ तू तो एक हाथ के दूरिये पर बैठबू आ रहबू उनकरा दूरे, आ हम तो हर में से उनकरा कंठे में रहे। तो फिर आके मैया पार्वती भोले बाबा से कहतनी ए भोले बाबा, ये तो भांगवा के गछिया में से फेन भूतनिया बोलतिया, कहतिया कि भोले बाबा तो हमरा के कंठ में बसा ली हन, आ तू तो एक हाथ के दूरिये पर रहबू आ बैठबू चाहे रहबू। तो भोले बाबा कहतनी भूतनी भूत कुछ नहीं खे। तो मैया पार्वती का कहनी भांग पीस के आ दे दहनी। तो भोले बाबा भांग के पी लहनी, तो नागिन के तीन गो धर तीन गो गाछ भय रहे, एगो कनैल के आ एगो बेल के आ एगो भांग के। तीनों के कनैल के माला बना लहनी, बेलपत्र के माथा पर चढ़ा लहनी आ भांग के पी लहनी। तो पूरा अंग अंग में वहाँ के बस गईली नागिन। आ चौथ का धर जन बचा रहे बोलता भोले बाबा हमरा के आशीर्वाद दे। तो भोले बाबा कहतनी तो थास तू कहनी, तो नागिन खूब खुश हो गईली। तो भोले बाबा आ भक्त के प्रेम बाई, जे भोले बाबा से प्रेम करी भोले बाबा
उतने अपना भक्त से प्रेम करेंगे। यही जब कथा समाप्त, कथा अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल के सब्सक्राइब करें।